वितरण में चूक हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ते तो जीत जाते। उदयलाल आंजना ने कहा कि उन्होंने इस बात को लेकर पार्टी को राय भी दी थी। उन्होंने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लेकर भी कहा कि अगर बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो जाट वोट साधने में दिक्कत नहीं आती। तो हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी उदयलाल आंजना कहते हुए नजर आए, साथ ही साथ कांग्रेस की हार के बाद जो मंथन चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है इनकी तरफ से। में भी मैंने गहलोत साहब से मिलकर ये कहा था कि मुझे जालोर से चुनाव लड़ाया गया है तो मेरे को नहीं वैभव गहलोत को वहाँ से लड़ाइए तो ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार है। और अभी भी मैं जोधपुर के पक्ष में नहीं था, मैं 3-4 बार सीएम साहब के पास गया और उनसे निवेदन किया और भी लोगों से खिलाया कि राहुल जी को वैभव जी को जालोर से ही चुनाव लड़ाना चाहिए। तो मैंने 14 में भी कहा था और आज भी मैं उस पर कायम था। मैं तो 1914 में भी मैंने गहलोत साहब और आरएएस से आईएएस में चयन के लिए दिल्ली में आज चयन समिति की एक बैठक हुई। बैठक में राजस्थान से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, आरएसआरटीसी चेयरमैन राजहंस उपाध्याय, प्रमुख सचिव रोली सिंह शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में 11 आरएएस अधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि चित्रा गुप्ता, अंतर सिंह, आराधना सक्सेना, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी, करण सिंह का प्रमोशन तय माना जा रहा है। 1991 बैच के परमेश्वर लाल के अलावा भी कई नाम शामिल। सबको वरीयता के आधार पे, जो जैसी भी वरिष्ठता सूची है उसके आधार पर 11 जनों का चयन हुआ है। इसमें एक प्रथम स्थान पर बरसों से यही परंपरा चलती आ रही है, वो एक नाम है जिसके अंदर वो सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस होने की वजह से ये इसमें निष्काम दिवाकर उनका केस बंद एनवलप में गया है। बाकी 10 अन्य लोगों का सिलेक्शन होकर के इस प्रकार 11 लोगों की ये कुल मिलाकर के चयन किया गया आज। अब ये सबके साइन आज हो गए, मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से सेक्रेटरी यूपीएससी के द्वारा इसको राजस्थान सरकार को फॉर्मली भेजा जाएगा और जैसे ही डीओपी में ये प्राप्त होगा इस पर हम मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल लेकर के और इसके ऑर्डर्स निकालेंगे। और कई सारे नाम जो जैसा बताया जा रहा है कि यूपीएससी की तरफ से आएगा, जो बोर्ड है उनका, उसकी तरफ से इस बात को लेकर जो औपचारिक आदेश है, जिनका जिनका प्रमोशन होता है उनसे जुड़ा हुआ राजस्थान के शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद जो डीओपी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से निर्देशित किया जाएगा बाकायदा एक ऑर्डर जारी करते हुए। फिलहाल अंकित तिवाड़ी जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। अंकित, क्या जानकारी इस बारे में, डीओपी आदेश जारी करेगा, राजस्थान के भीतर जो जो आरएएस थे जिनको प्रमोट किया जा रहा है या किया जा सकता है उनको लेकर आज दिल्ली में चुकी चर्चा हुई है, क्या जानकारी आपके साथ फिलहाल? जी, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए यह बड़ी खबर है। 11 आरएएस अफसर अब आईएएस अफसर कहलाएंगे। आज यूपीएससी में चयन समिति की बैठक हुई जिसमें 1989 बैच से चित्रा गुप्ता, अंतर सिंह नेहरा, आराधना सक्सेना, गणेन्द्र भान चतुर्वेदी, करण सिंह का प्रमोशन हो गया है। 1991 बैच में प्रवेशन लाल, महावीर प्रसाद वर्मा, विश्राम मीना, कन्हैया लाल स्वामी, ओम प्रकाश के नाम को हरी झंडी मिल गई है। निष्काम दिवाकर का चौथी बार प्रमोशन रुका है, वो एकल पट्टा प्रकरण में उनका जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन थी, ऐसे में उनका प्रमोशन रोका गया है, उनका नाम लिफाफे में बंद कर दिया गया है। और महेंद्र कुमार पारक, हृदय शर्मा, डीपी गुप्ता, लक्ष्मण कुड़ी, राजेंद्र सिंह, नरीली कंठोलिया, सोहनलाल और मेघ सिंह रत्नू का प्रमोशन नहीं हुआ है। ये भी उन 20 आरएएस अधिकारियों की सूची में शामिल थे। चूंकि राजस्थान का इस बार कोटा जो हमेशा तय प्रक्रिया के तहत होता है 11 आरएएस के प्रमोशन का ही था, ऐसे में 20 में से 11 आईएएस चयन कर लिए गए हैं। एक और जो आरएएस अधिकारी हैं जिन पर आपराधिक मामला दर्ज था और उन पर जो कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में उनका प्रमोशन रोका गया है। कजोरमल दूरिया जो कि 91 बैच के आरएएस अधिकारी हैं, उनका 8वें नंबर पर सूची में नाम था लेकिन चूंकि उन पर आपराधिक मामला ठीक है, इनकी पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएं होने वाली हैं और किस तरीके की जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या विभागों में या फिर जिले पर भी पोस्टिंग हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई है उनके मीटिंग नोट्स आना बाकी है,
यूपीएससी डीओपी को पूरी जानकारी भेजेगा और मीटिंग नोट्स अप्रूवल होंगे, उनके बाद डीओपी इनकी सूची जारी करेगा। सूची के बाद वरिष्ठता क्रमांक इन्हें दिया जाएगा कि किस वर्ष में वरिष्ठता क्रमांक है। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि सीएमओ के यहाँ से वो सूची अप्रूव होगी। सूची अप्रूव होने के बाद ये वर्तमान पोस्टिंग पर बने रहेंगे और अगली जो सूची आएगी आईएएस ट्रांसफर प्रमोशन की जो सूची आएगी उनमें संभवतः इन्हें स्थान दिया जा सकता है। हालांकि ये आरएएस जो अधिकारी हैं वो पहले से बेहद सक्रिय हैं और कई अहम पदों पर काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, ऐसे में इन्हें बड़ा पद भी मिल सकता है और संभवतः कुछ जिलों में कलेक्टर भी लगाए जा सकते हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया अंकित तिवाड़ी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।